नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 8 सितंबर को संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस था, जिसको बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस गुरु पर्व को देश भर में 9 अलग अलग स्थानों पर मनाया गया, जिसमें नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों के भक्त इस समागम में शामिल हुए। अलग अलग जगहों पर हुए आयोजनों में लाखों लोग सम्मिलित हुए। उसके बाद भी यह 3 दिवसीय महासमागम बड़ी ही शांतिपूर्वक सफल संपन्न हुआ। इसी खबर से संबंधित देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। समूची मानव जाति के तारणहार और पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस 8 सितंबर को मनाया गया। सद्गुरु ने सभी धर्मों के ग्रंथों से गूढ़ रहस्य को खोलकर तत्वज्ञान से नकली धर्म गुरुओं की पोल खोल दी है। आइए जानते हैं जगत प्रसिद्ध समाज सुधारक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 72वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में क्या क्या हुआ। 8 सितंबर 1951 को जन्मे अविरल ज्ञान के धनी विश्व प्रसिद्ध समाज सुधारक संत रामपाल जी महाराज का 72वां अवतरण दिवस उनके शिष्यों के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अवतरण दिवस के अवसर पर 6 से 8 सितंबर 2022 तक 3 दिवसीय समागम आयोजित किया गया। इस समागम में लाखों की संख्या में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। परमेश्वर की अमर वाणी का अखंड पाठ, विशाल भंडारा, निःशुल्क नाम दीक्षा 24 घंटे चलती रही। संत रामपाल जी महाराज के दिल्ली मुंडका स्थित सतलोक आश्रम सहित हरियाणा के रोहतक, भिवानी और कुरुक्षेत्र स्थित सतलोक आश्रमों, पंजाब के धुरी और खमानो स्थित सतलोक आश्रमों, उत्तर प्रदेश के शामली, राजस्थान के सोजत और मध्य प्रदेश के किठौदा इंदौर स्थित सतलोक आश्रमों में सभी आयोजन एक समय अवधि में किए गए। सभी समागमों में जनहित के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें रक्तदान और दहेज मुक्त, दिखावा मुक्त सामूहिक विवाह मुख्य रहे। संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस पर सभी सतलोक आश्रमों में रक्तदान शिविर लगाकर रक्तदान किया गया। रक्तदान को सुचारू रूप से कराने के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और मैक्स अस्पताल और अन्य बड़े अस्पतालों का भरपूर सहयोग मिला। सतलोक आश्रमों ने एक विशेष टेंट लगाकर डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ और उनके द्वारा प्रयोग लिए जाने वाले उपकरणों के लिए व्यवस्था बनाई। बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु रक्तदान करने के लिए आगे आए। रक्तदान करने के इच्छुक भक्तों की लाइनें इतनी लंबी हो गयी कि रक्तदान लेने के लिए आई टीमें कम पड़ गयी। रक्तदान करने के बाद भक्तगण बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। समागम की एक विशेषता रही कि इसमें जोड़ों ने दहेज मुक्त, दिखावा रहित शादी मात्र 17 मिनट की परमात्मा की वाणी रमणी के साथ की। दर्शकों को यहाँ ये बताना जरूरी है कि संत रामपाल जी महाराज ने अभी तक लाखों जोड़ों की दहेज मुक्त शादियां कराकर बेटियों को आत्महत्या के अभिशाप से बचाया है। 3 दिवसीय समागम का अंत पाठ प्रकाश के बाद परमात्मा को भोग लगाकर किया गया। बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज की अमृतमयी वाणी में सत्संग के द्वारा सद्ज्ञान सुनाया गया। हर बार की तरह पाठ के समापन में सभी श्रद्धालुओं को हलवा प्रसाद वितरित किया गया और सभी श्रद्धालुओं को भंडारा कराया गया, जिसमें जलेबी और लड्डू प्रसाद में विशेष रहे। ज्ञान, भक्ति और परमार्थ के इस अनोखे कुंभ में अनेकों नए श्रद्धालुओं ने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर उनसे निःशुल्क नाम दीक्षा ली और साथ ही सभी व्यसनों, कुप्रथाओं से दूर रहने और सद्भक्ति कर अपना कल्याण कराने का निश्चय किया। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य एक ऐसे स्वच्छ समाज की स्थापना करना है जो चोरी, जारी, ठगी, रिश्वतखोरी, नशे से दूर हो। आज हकीकत में उनके ज्ञान से ये संभव हो रहा है। विश्व में प्रेम व शांति स्थापित करना व कुरीतियों, पाखंडवाद, नशा, दहेज प्रथा आदि को समाप्त करके सबको एक परमात्मा की भक्ति करवा कर सुखी बनाना और पूर्ण मोक्ष देना है। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के प्रतिरूप हैं और उन्हीं के कार्यों को पूरा कर रहे हैं। कबीर साहिब की वाणी उनके द्वारा नियुक्त सद्गुरु रामपाल जी महाराज के लिए ही है। कलयुग मध्य सतयुग लाऊं, ताते सत्य कबीर कहाऊं। संत रामपाल जी महाराज समय समय पर समागमों का आयोजन करते हैं, जिससे उनके पुराने भक्तों को अपनी भक्ति को प्रखर करने का सौभाग्य मिले। अध्यात्म के मार्ग को खोज रही नई जिज्ञासु पुण्य आत्माएं अपनी शंका समाधान कर सकें और सद्गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति को प्रारंभ कर सकें। भिन्न भिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने निकट के सतलोक आश्रम में जाकर लाभ उठाया। वो बहुत ही भाग्यशाली पुण्य आत्माएं हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।